हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ जोस्ना। उड़ीसा किचन जोस्ना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मसालेदार मशरूम की रेसिपी। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को फास्ट से लास्ट जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं 2 पैकेट मशरूम ली हूँ, जो फ्रोजन वाला होता है ना, वही वाला मशरूम ली हूँ मैं। देखिए तो चलिए उसको अच्छे से खोल लेते हैं और साफ़ कर लेंगे खोल के। देखिए इतना सारा हुआ है, मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ, बड़ा सा प्लेट में। तो अच्छे से साफ कर लेते हैं और कट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से कट कर ली हूँ। आप चाहे तो बड़ा बड़ा या छोटा भी और कर सकते हैं। मैं इस तरह से कट करी हूँ। इस तरह करके मैं तीन चार बार से हल्दी वाला पानी में धो लूँगी अच्छे से। ठीक है, मिक्स कर दे रही हूँ हल्दी वाला पानी से। इस तरह से मैं 3-4 बार धो लूँगी साफ करके। उसके बाद हमें एक प्लेट में उसे निकाल लेना है। एक प्लेट में निकाल ली हूँ। आप चाहे तो छोटा बड़ा कट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इस तरह से कट करी हूँ। तो चलिए उसको फ्राई कर लेते हैं पहले मशरूम को। मशरूम को फ्राई करने के लिए मैं एक कढ़ाई ली हूँ। देखिए कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जाए तभी मैं डालूँगी यहाँ पर सरसों का ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तभी हमें छोड़ देना है मशरूम को। थोड़ा थोड़ा करके डालिए, थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए तब तक हमें फ्राई करना है। जब तक फ्राई हो रहा है हमें अभी मसाला रेडी करना है गाइस। तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत सारा ली हूँ काजू और लहसुन अदरक ली हूँ, उसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए हमारा जो फ्राई करके रखे थे, मतलब फ्राई कर चुके हैं मशरूम, सब एक बाउल में निकाल ली हूँ। उसी कढ़ाई में फिर से मैं और ऑयल ली हूँ जितना चाहिए हमें। एक बड़ा सा ऑनियन को ऐसे मैं बारीक कट करके डालती हूँ। देखिए अच्छे से ऑयल में मिक्स कर दे रही हूँ। कलर चेंज होने तक हमें भूनना है। जो मैंने मसाले रेडी करके रखे थे अदरक लहसुन काजू का, उसका पेस्ट बना ली हूँ मैं। देखिए ये देखिए कलर चेंज हो चुकी है हमारी अनियन का। अभी जो हमने मसाले, मतलब जो अदरक काजू का पेस्ट बनाई थी, उसको डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है गाइस। अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा कच्चापन जाने तक हमें भूनना है 5 मिनट करीब। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम फ्लेम में रखना है गाइस। तो देखिए सूख गए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी निकलना, मतलब पानी जो निकल रहा था वो सूख गए हैं, मतलब ये थोड़ा सा पक गया है और कच्चापन भी जा चुका है। अभी हमें क्या करना है गाइस, की क्वांटिटी के अनुसार यहाँ पर टर्मरिक पाउडर डालना है। और रेड चिली पाउडर भी डालना है क्वांटिटी के अनुसार। उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए इस तरह से मैं मिक्स कर दे रही हूँ अच्छे से। इतने अच्छे कलर रहे हैं देखिए गाइस। अभी हमें क्या करना है कि 1 चम्मच करीबन जीरा पाउडर डालना है और 1 चम्मच करीबन धनिया पाउडर डाली हूँ मैं यहाँ पर। देखिए अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसाले को। देखिए इस तरह से मिक्स कर देना है हमें। अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि नीचे से ना लगे मसाले, सब अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से मिक्स कर दी हूँ। देखिए कितने अच्छे कलर आए हैं। ये थोड़ा सा हमें नमक डालना है, मतलब क्वांटिटी के अनुसार नमक डाल देना है। एक बड़ा सा यहाँ पर टमाटर ली हूँ। देखिए ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। उसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं डाल के मसाले से। अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। देखिए मिक्स हो गई है। अभी हमें ढक के पका लेना है ताकि अच्छे से मसाले रेडी हो जाए। मीडियम गैस की फ्लेम को मीडियम में रखना है। देखिए 5 मिनट के बाद फिर से चेक कर रही हूँ।
मसाले में से पानी निकल चुकी है, देखिए मसाले थोड़ा सा रेडी हो चुके हैं और थोड़ा सा जो पानी पानी दिख रहा है उसको भी हमें अच्छे से भूनना है ताकि वो भी कम हो जाए। अब हमें एक चम्मच कस्तूरी मेथी डालना है गाइस, डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है मसाले से। और थोड़ा सा हमें ढक के पका लेना है करीबन 5 मिनट तक, ताकि अच्छे से मसाला भून जाए और रेडी हो जाए। तो ये देखिए गाइस, जो हमने फ्राई करके रखे थे मशरूम को, मसाले रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे कलर भी आए हैं, ऑयल सारा ऊपर आ चुके हैं, मतलब मसाला अच्छे से रेडी हो चुकी है। अच्छे से मिक्स कर देना है, देखिए हमें मसाले को नीचे से ना लगे, मसाले ऑलरेडी अच्छे से भुन गया है, रेडी हो चुकी है हमारे मसाले। अभी थोड़ा सा पानी डाल देना है, देखिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे हमें और थोड़ा सा ढक के पका लेते हैं 2 मिनट तक। हमें फैन लीजिए, हमें फ्लेम को रखना है और ढक के पकाना है। तो 2 मिनट हो गई है, देखिए उबल आ चुकी है पानी में से और पानी थोड़ा सा सूख भी गया है। मसाला रेडी हो चुकी है, देखिए अभी हमें जो मशरूम को फ्राई करके रखे उसको डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है मसाले से। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और भी ढक के पका लेते हैं ताकि मसाले सब मशरूम में एब्जॉर्ब हो जाए। मिनिमम 5 मिनट तक हमें पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम में, ताकि अच्छे से मसाले में और मशरूम मिक्स हो जाए। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है, पानी जो इतना देखिए सब सूख गई है गाइस, कितनी अच्छी लग रही है देखिए मशरूम। अभी हमें पानी डाल देना है 1/2 ग्लास टाइप का, हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है, थोड़ा सा ग्रेवी रखना है, आप चाहे तो कम में ज़्यादा कर सकते हैं। पानी डाल के और थोड़ा सा उबल आने तक हमें ढक के पका लेना है। देखिए उबल आ चुकी है, इतनी अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है हमारी मशरूम की रेसिपी। अभी गैस की फ्लेम को बंद कर देना है गैस और एक बाउल में ट्रांसफर कर देना है हमें। देखिए धनिया पत्ता गार्निश कर दी हूँ। प्लीज़ गाइस इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, आप चाहे तो रोटी चावल के साथ भी खा सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।